शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ। मैं स्वाति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो जो जो उन्होंने मांगे रखी है वो सरकार जल्द से जल्द पूरा करे और भगवान उनको हिम्मत दे इस लड़ाई लड़ने के लिए। बाकी मैं आज से नहीं, ये नहीं कि वंशन पर बैठी हैं तो मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। मैं कई सालों से उनके साथ मिलके काम करती हूँ क्योंकि मैं रेप विक्टिमों के साथ काम करती हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि आज हमारे बीच में एक ऐसी भी महिला है आखिर हमारे पूरे समाज के बच्चियों के लिए जान देने को तैयार। मुझे स्वाति जी का हालत देख के मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ, किसको दोस्त दूँ और किसको जिम्मेवार ठहराऊँ। आज पांचवा दिन है स्वाति जी को अनशन पर बैठे हुए, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से यही कम से कम अपने समाज के लोगों से, अपने देशवासियों से यही कहना चाहती हूँ कि ये किसी एक पर्सनल पर्सन की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है, उन बेटियों की लड़ाई है, उन महिलाओं की लड़ाई है जो इस दुनिया में नहीं है, उन सब की लड़ाई है, उन माँ बाप की लड़ाई है जिसके पास बेटी है। मैं यही चाहती हूँ कि आप हम सब लोग मिलके इनको सपोर्ट करें। मैं ये नहीं कहती कि आप दिल्ली ही आइए, इस स्थल पे आइए, आप जहाँ जिस शहर में है, जिस गांव में है, वहाँ से स्वाति जी को सपोर्ट करिए और जो भी हमारी मांगे हैं उसको पूरा करने के लिए हम पूरा सपोर्ट करेंगे और पूरा संघर्ष करेंगे। आज पांच दिन हो गया लेकिन एक महिला जूझ रही है, उनके साथ कितने सारे हमारी बहनें हैं जो भूखे प्यासे उनको सपोर्ट कर रही हैं, रातों दिन यहाँ लगी हुई हैं, लेकिन हमारी दुनिया इतनी कठोर हो गई है, हमारा सिस्टम इतना कठोर हो गया है कि आज पांचवा दिन भी एक किसी के मुंह से एक संतोषजनक शब्द नहीं आया कि नहीं हम आपको सपोर्ट करते हैं या हम कानून बनाएंगे या हम ऐसी व्यवस्था लाएंगे जो हमारे बच्चियों को सुरक्षित करेगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम इस अगर स्वाति जी ने इस संघर्ष का नींव रखा है तो हम सब लोगों को धर्म बनता है कि हम इसको मिल के पूरा करें, उनका सहयोग करें। और हमारा आप सब लोगों से यही गुजारिश है, खास कर से करके हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हम कब तक अपनी बच्चियों को, अपनी महिलाओं को बलि देते रहेंगे। आज एक रेप होता है तो एक बच्ची के साथ होता है, एक कत्ल होता है तो एक बच्ची के साथ होता है, और एक इस समाज को सुधारने के लिए, इस सिस्टम को बनाने के लिए एक संघर्ष महिलाएं कर रही है। इस देश में जितने भी आप पुरुष आए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि एक महिला अनशन करके आप लोगों के सामने देश के बच्चियों के लिए संघर्ष कर रही है या देश के बच्चियों के मान सम्मान के लिए आप लोगों के आगे हमें हाथ फैलाना पड़ रहा है। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग आज पांच दिन से यहाँ पे स्वाति जी का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बार मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध करती हूँ, एक माँ अनुरोध करती है, क्योंकि मैं अपनी बच्ची को 6 साल पहले खोया है, मैं इस दर्द को समझती हूँ। आप हमारी पुकार सुनिए और आपसे भी महिला सुरक्षा बिल लाइए और जो भी स्वाति जी का मान है उसको आप स्वीकार करिए।